आ गए अभी होटल रूम में, बहुत थक गए हैं और हम गए थे चौरस्ता गए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था इसलिए हम कुछ दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। तो हम फिर सुबह जाएंगे, पहले जाएंगे हम टाइगर हिल सनराइज देखने के लिए। गाइस हम लोग गए थे पहले बतासे लूप और वहाँ पे हम लोग पूरा एक्सप्लोर किए, जैसे कि हम लोग जाके देखे वहाँ पे टॉय ट्रेन सब देखे और वहाँ पे घूमे, वहाँ पे वहाँ का कॉस्ट्यूम सब देखे वहाँ पे। और उसके बाद हम गए सीधे अपने होटल जहाँ पे हम लोग अभी ठहरे हुए, वहाँ पे होटल हम लोग बुक किए यहाँ पे। ओवर टू यू दी। बस अब क्या बोलिए, बहुत थक गए हम लोग और इसके बाद में तो हम डिनर करेंगे ऑफ कोर्स और हम सोएंगे। अब जल्दी जल्दी उठ के हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर सनराइज देखने के लिए, टाइगर हिल। और उसके बाद में हम फिर जाएंगे चौरस्ता, फिर आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे वहाँ का। थैंक यू सो मच। बेल आइकन भी बजा देना प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट। आई लव यू। ये किसको बोल दिया है? और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए मेरे चैनल पंकज अनप्लग्ड को, जरूर सपोर्ट कीजिए। अरे मैं वो कर रहा हूँ ना, प्रमोशन कर रहा हूँ ना, अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, जबकि मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है अभी। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि अभी हम लोग उठे हैं यहाँ, अभी हम लोग जस्ट उठे और टाइम हो रहा है कितने बजे, टाइम अपडेट अभी हो रहा है 4 बज रहे, सुबह के बज रहे 4 और हम लोग के बजे चेहरे पे 12, क्योंकि हम लोग रात भर सोए नहीं है क्योंकि हम लोग के बगल वाले रूम में बहुत चिल्लम चिल्ली चल रही थी और इसीलिए हम लोग ठीक से सो नहीं पाए और हम लोग अपनी नींद भी पूरा कम्प्लीट ही नहीं हो पाए। फिर भी हम लोग थोड़े बहुत सोए और क्योंकि हम लोग को जाना है टाइगर हिल, तो जैसे भी करके हम लोग जाने हैं। और गाइस आप लोग को मालूम है कि नहीं, पर अभी का जो वेदर हो रखा है बहुत बुरा हो रखा है और बाहर हो रही है बारिश, तो मौसम भी पूरा हम लोग का ख़राब होके रखा है। पता नहीं अभी हम लोग सनराइज देख भी पाएंगे कि नहीं, पर फिर भी हम लोग को जाना है तो जाना ही है। तो सब लोग अभी रेडी हो रखे हैं कि अभी हम लोग उठे और हम लोग अभी जस्ट रेडी भी होने वाले हैं, हम लोग चलेंगे टाइगर की तरफ और देखते हैं वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ का सिचुएशन क्या है। ओवर टू यू जीजू। और एक और चीज़ और जो बता दे, बाइक वाला सीन। ओ आप लोग को बाइक वाला सीन तो मालूम ही नहीं होगा ना। तो कैसे मालूम होगा भाई, हम लोग बताया ही नहीं, बताएंगे तभी तो पता लगेगा। तो हमने बताएंगे तो मालूम चलेगा ना। बता दे। गाइस तो पंगा ये हो गया कि हम लोग जाने वाले थे बाइक और स्कूटी में टाइगर, हम लोग का प्लान ही वही था घर से कि हम लोग जाएं सुबह को निकलेंगे बाइक और स्कूटी में, पर ये प्लान हम लोग का पूरा फ्लॉप हो गया है क्योंकि जैसे हम लोग रात को डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है कि वहाँ पे बाइक और स्कूटी अलाव ही नहीं है। बता नहीं सकती अब इन लोगों का क्या क्या चलता रहता है यहाँ पे, अब तो अप्स एंड डाउन आता रहता है। फिर भी कोई नहीं, हम लोग ने अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रैवल एजेंट को बात करके वहाँ पे गाड़ी वाड़ी से बुक कर दिया है वहाँ तक जाने के लिए। उसका रेंट कितना है? हाँ रेंट कितना था जाने का? हाँ जाने का रेंट था 1500 ना। हाँ 1500 बोला गया था हमको, हम लोग को कि रेंट 1500 है वहाँ पर जाने के लिए और वहाँ पे हम लोग के साथ रुकेगा भी वहाँ पे, रुक के वहाँ पे सनराइज दिखा के और थोड़ा बहुत हम लोग को टाइम स्पेंड करके वहाँ से वो लोग लाएगा भी। तो सुबह के बज रहे 4:15, हम आए थे ऊपर टाइगर हिल जाने के लिए, बारिश हो रही है बाहर और सामने है बतासे लूप बिल्कुल मेरे सामने और जस्ट सामने है एक शॉप जहाँ पे एक आंटी जी है, तो मैं यहाँ पे आया था विदाउट मनी चाय पीने के लिए कि अगर चाय मिल जाए बाई चांस, और जस्ट यहीं पे मेरा होटल है लेफ्ट में जस्ट बगल में, तो मैंने आंटी जी को पूछा चाय मिलेगी, पेटीएम लोगे? पेटीएम तो यहाँ पे नहीं चल रहा अभी, तो आंटी जी ने बोला कि आप पैसे बाद में दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, चाय आप लेके जाइए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया गया आंटी जी ने यहाँ पे। क्या नाम है आंटी जी आपका? रोजीना जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, इन्होंने बड़ी हेल्प करी हमारी एक तरह से, सुबह सुबह चाय पिला के, वो भी विदाउट मनी।
तो अभी जैसे हम पूछ रहे थे सनराइज के चांस है कि नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है? लक पे डिपेंड है, तो हम चांस ले रहे हैं और हमने गाड़ी वाले को बुला लिया है कि भैया आप आ जाओ, कोई नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं, अपने लक के ऊपर डिपेंड है क्या होता है क्या नहीं। और अगर आप बतासे लूप आ रहे हैं तो आंटी जी के हाथ की चाय जरूर पीजिएगा, ये मेरी तरफ से पूरी पूरी रिकमेंडेशन है। थैंक यू आंटी जी। तो चाय की केतली हो गई सुबह 4 बजे वाली तैयार। तो सुबह जैसे ही बाहर गया रोड के ऊपर, किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें एक टपरी मिल गई आंटी जी की, जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे तो हमारा स्टार्टिंग का लक बहुत अच्छा रहा, आगे का भी लक होपफुली अच्छा रहेगा। और 101% आशा यही है कि हमें आज सनराइज़ देखने को मिलेगा, जो हमारा मोटिव था जिसके लिए हम रात को यहाँ पर रुके वो हमारा पूरा होगा। हाँ पंकज क्या बोलते हैं? बिल्कुल शिवांका ने भी बोल दिया, बिल्कुल हम लोग इसीलिए आए थे, हम लोग अभी आए भी है अभी यहाँ पे, बिल्कुल अपना रात खराब किए हम लोग टाइगर देखने के लिए, तो ऐसे तो हम लोग नहीं बिना देखे तो नहीं जा भी नहीं सकते, इसीलिए हम लोग जैसे भी करके हम लोग जाना है, पहुँचना ही है वहाँ पे, बिल्कुल और होपफुली देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या हो सकता है, क्या सनराइज होगा या नहीं। मतलब किसने बोला है जितना रास्ता दिखता है वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिख जाना है, तो देखते हैं आगे होना है क्या। नेक्स्ट जोनिका दीदी, हाय गुड मॉर्निंग। होगा होगा जरूर होगा भाई, हम जाएंगे जरूर जाएंगे और देख के आएंगे। तो ऐसी फतेह करके आनी है थे। यस। कैमरे वैमरे सब तैयार है और उम्मीद है कि बस सब जो हमारा मोटिव था वो पूरा हो। और चाय बहुत टेस्टी है। चाय बहुत टेस्टी है। चीयर्स। तो गाड़ी अपनी आ गई है, तो उसमें बैठ के जाएंगे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never